हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज की क्लास में हम करेंगे द नाइन्थ चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है अ टाइगर इन द हाउस। नाउ ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, और ये कहानी है एक टाइगर के बारे में, जैसा कि हम टाइटल में ही समझ सकते हैं। इस टाइगर का नाम होता है टिमोथी। नाउ ग्रैंडफादर इस टाइगर को अपने घर पर लेकर आते हैं जब वो एक कब होता है, जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है। एंड ही रेजेज हिम विद ऑल द लव एंड अफेक्शन, बहुत प्यार बहुत दुलार से वो उसे बड़ा करते हैं। पहले तो वो टाइगर बिल्कुल भी कोई वायलेंट लक्षण नहीं दिखाता कि वो किसी को हानि पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रैंडफादर को रियलाइज़ होता है कि टाइगर को अपने घर पर रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। फिर वो उस टाइगर को शिफ्ट करते हैं एक ज़ू में। काफ़ी टाइम बाद वो उस ज़ू में उस टाइगर से मिलने के लिए जाते हैं, बट तब कुछ ऐसा होता है जो सुनकर ग्रैंडफादर को खुद को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड देन, और कैसा था हमारा एक टाइगर एज अ पेट इन द हाउस, लेट अस रीड इन द चैप्टर। सो ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। सो ग्रैंडफादर को एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिलता है जंगल में, और वो उसे अपने घर ले आते हैं। Grandmother calls him Timothy and brings him up like a human child. जो grandmother है उन्होंने उस टाइगर के बच्चे का नाम रखा Timothy, और एक human child, एक इंसान के बच्चे की तरह ही उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। Timothy is playful and naughty. Playful यानी वो कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था, पूरा टाइम उछल कूद करता रहता था। His companions are Toto, the monkey. Companions मतलब friends. So Timothy के कौन कौन से friends थे? Toto, जो कि एक बंदर था, एक puppy and other members of the household. घर के जो बाकी के लोग थे वो सब Timothy के friends बन गए। So Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. So Dehra here stands for Dehradun. सो देहरादून के तेरई जंगल के अंदर ग्रैंडफादर को टिमथी मिला था, जो कि एक छोटा सा बच्चा था। डिस्कवर्ड मतलब खोज करना। सो ग्रैंडफादर ने टिमथी की खोज तेरई जंगलों में की थी। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. So, one day, एक दिन जो grandfather थे, he was strolling down the forest. Strolling मतलब क्या होता है? टहलना, घूमना। तो वो फॉरेस्ट पाथ यानी फॉरेस्ट के रास्ते पर चल रहे थे एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी। नाउ व्हाट डज दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर? दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर द अदर पीपल। ये बाकी के लोगों की बात हो रही है। सो ग्रैंडफादर जंगल में अकेले नहीं गए थे, वो कुछ लोगों के साथ गए थे, लेकिन जिस समय उन्हें टिमथी मिला था उस समय वो बाकी के लोगों से थोड़ा डिस्टेंस दूर थे, थोड़ा दूरी पर थे। ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। उन्होंने देखा एक छोटे से टाइगर को जो 18 इंच लंबा था, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री। हाइडिंग मतलब छुपा हुआ होना। कहाँ छुपा हुआ था ये टाइगर? अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री। इंट्रिकेट का मतलब होता है बिल्कुल डिटेल्ड। अगर हमने बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ देखा है, इफ नॉट इन रियल लाइफ आई एम श्योर बुक्स में या टीवी में देखा होगा, बरगद के पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, जो उसकी टहनियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, नीचे भी गिरती हैं। तो एक बरगद के पेड़ को देखना इज एक्चुअली समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है।
सो उसके जो रूट्स थे उस बरगद के पेड़ की जो टहनियां थी उनके पीछे ये टाइगर छुपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम. ग्रैंडफादर ने उसे उठाया और उसे घर ले आए. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. Distinction मतलब एक अलग खासियत, एक uniqueness. So grandfather के अंदर ये खासियत थी कि वो अपनी party, यानी वो जैसा मैंने आपको बताया था, the group of people जिनके साथ वो forest में गए थे, तो उन लोगों में से ग्रैंडफादर की खासियत ये थी कि वो एक इकलौते इंसान ऐसे थे हु हैड बैग्ड एनी गेम. गेम रेफर्स टू जो हमारे जंगल के सबसे खतरनाक जानवर होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया. बैग्ड मतलब टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को पकड़ना. तो ग्रैंडफादर अपने ग्रुप में एक इकलौते इंसान थे जिन्होंने एक इतने जंगली जानवर को, इतने बड़े जंगली जानवर को पकड़ा था, डेड और अलाइव, यानी भले ही मरा हुआ हो या जिंदा हो, बट ही वॉज दी ओनली वन जिन्होंने ऐसा शिकार किया था. नाउ सब्सक्राइब टू ब्राइट ड्यूटी कोर्स एट ₹1 पर डे ओनली. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.